आप सबने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द टर्मिनल जरूर देखी होगी, जिसके हिदायतकार ऑल टाइम फेमस स्टीवन स्पीलबर्ग हैं। टॉम हैंक्स ने विक्टर नाब्रोस्की का रोल अंजाम दिया है, जिसमें वो एक ईस्टर्न यूरोपियन टूरिस्ट हैं जो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर फंस चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मुल्क में जंग छिड़ चुकी है, जिस वजह से ना तो वो अमरीका में दाखिल हो सकते हैं और ना ही अमरीका से उनकी वापसी मुमकिन है। इस जंग की वजह से उन्हें जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर काफी वक्त गुजार जाना पड़ता है। ऐसी ही कुछ कहानी हसन अल कोंतार की है। हसन एक सीरियन बाशिंदे हैं जिनकी हुकूमत ने उनको सीरिया में जंग करने के लिए बुलाया था 2012 में, मगर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहते थे। इस वजह से उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया गया, उनकी नौकरी भी चली गई और उनको मलेशिया जाना पड़ गया, जो सीरियंस को विदाउट वीजा 90 डेज के लिए एक्सेप्ट करते हैं। मलेशिया से उन्होंने बहुत से और ममालिक के लिए अप्लाई किया, जिनमें इक्वाडोर और कंबोडिया भी शामिल है, मगर हसन का एंड हमेशा मलेशिया में ही हुआ। हसन तकरीबन 7 महीने से कुआलालंपुर एयरपोर्ट में रह रहे हैं, जहां उनको रोज एक जैसा खाना दिया जाता और वो इस जिंदगी से काफी थक चुके हैं। I'm slowly giving up. I can feel my breaking point now. The airlines here are providing me 3 meals a day, but it's the same meal 3 times a day. For the first 50 days, I was sitting on the floor itself or chair. And after that, some volunteers brought me a mattress. I can't catch full-time sleep because lights are always there. People are always there. The flight announcements. काफी खवातीन ने भी उन्हें अप्रोच किया शादी के लिए ताकि उन्हें नेशनैलिटी मिल जाए और वो एयरपोर्ट से एग्जिट कर सके, मगर हसन ने किसी की ना मानी। अक्टूबर 1 को हसन को मलेशियन अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर लिया और इस बहाने से उन्हें एयरपोर्ट से निकाल लिया गया है। एक वॉलंटियर्स का ग्रुप है जिन्होंने हसन के बिहाफ पर कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है। फेज 1 तो उनका क्लियर हो चुका है, मगर दूसरे फेज में तकरीबन 2 साल से भी ज्यादा वक्त दरकार है। Canada is the only hope. I just want this to be end. I deserve to live. I deserve to have my minimum human rights as a human. इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि पता नहीं हसन जैसे दुनिया में कितने लोग हैं जो जगह जगह भटक रहे हैं। हम में से जिनके पास भी अपना मुल्क है और उसकी शनाख्त है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क है तो हम हैं, और अगर मुल्क नहीं तो हम भी नहीं।